नमस्ते दोस्तों, मैं सोनिया गिदवानी, सोनियास कुकिंग में आप सबका स्वागत है। सर्दियों में आने वाली हरी हरी और ताजा मटर के दानों को आप पूरे एक साल के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। मटर को खराब होने से बचाने के लिए आप इन टिप्स को फॉलो कर सकते हैं। साल भर तक खराब नहीं होगी मटर। अपनाएं मटर को स्टोर करने के ये दो सिंपल तरीके। सबसे पहले हरी मटर को छील कर किसी बर्तन में रख लें। जब भी हरी मटर प्रिजर्व करें तो अच्छी क्वालिटी की ही मटर खरीदें। मटर के दानों को 2-3 बार पानी से धो लें और पानी से निकाल कर अलग रख दें। एक बर्तन में पानी उबलने रख दें। ध्यान रखें कि पानी इतना हो कि मटर उसमें अच्छे से डूब सके। अब पानी में जैसे ही उबाल आने लगे इसमें 2 चम्मच चीनी डाल दें और चीनी डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लें। मैं यहाँ पर लगभग 1 किलो मटर को स्टोर करने की तैयारी कर रही हूँ, इसलिए मैंने 2 चम्मच चीनी डाली है। आप अपने हिसाब से क्वांटिटी आगे पीछे कर सकते हैं। इस उबलते हुए पानी में मैं डाल रही ये धुले हुए मटर। उबलते पानी में मटर डालने के बाद हमें सिर्फ 2 मिनट के लिए इनको उबालना है और उसके बाद हमें गैस बंद कर देनी है। आलू मटर, मटर पनीर, मटर पुलाव, पोहा, मटर की कचौरी सबको खूब पसंद आती है। स्वाद के साथ साथ मटर सेहत के लिए भी फायदेमंद होते हैं। मटर का सीजन नवंबर से मार्च तक चलता है, ऐसे में आप भी मटर को पूरे साल के लिए स्टोर कर के रख सकते हैं। 2 मिनट हो चुके हैं, मैंने बर्फ का पानी तैयार कर लिया है, अच्छे से उसमें बर्फ डाल दिए है और उसी टाइम छलनी में मटर निकाल कर मैं बर्फ के पानी में डाल दूंगी और इनको तब तक बर्फ के पानी में डले रहने दूंगी ये जब तक अच्छी तरह पूरी तरह ठंडे नहीं हो जाते। जब ये अच्छी तरह ठंडे हो जाएंगे उसके बाद वापस से मैं इनको छलनी में डालूंगी और निकाल कर साइड करके रख दूंगी जिससे इनका एक्स्ट्रा वाटर निकल जाए। अब मैंने लिया है किचन टॉवल, उसके ऊपर मैं इन मटर को फैला दूंगी और फैलाने के बाद लगभग 2-3 मिनट के बाद इनका जो एक्स्ट्रा वाटर है वो सूख जाएगा और फिर मैं इनको एक बाउल में कलेक्ट कर लूँगी। कलेक्ट करने के बाद हमें इनको एक ज़िपलॉक बैग में या एयरटाइट डब्बे में डालकर रखना है। मैंने लिया है एक ज़िपलॉक बैग, मैं इसमें इन मटर को ट्रांसफ़र कर रही हूँ और अच्छे तरह इसकी एयर निकाल दूँगी और इसके बाद इन मटर को मैं डीप फ्रीज़र में रख दूँगी और जब मन किया मैं इनका इस्तेमाल कर सकती हूँ। जब आपको इन मटर का इस्तेमाल करना हो फ्रीजर में से निकालें और पानी में भिगो दें और आप इनका इस्तेमाल ऐसे ही करेंगे जैसे कि आप बॉयल मटर का इस्तेमाल करते हैं। अब मैं आपके साथ एक और इससे भी आसान मटर को स्टोर करने का तरीका शेयर करूँगी जिसमें हमें सिर्फ मटर को धोना है। पानी से अच्छे से धो लिया है, छलनी में डालकर एक्स्ट्रा वाटर निकाल लिया है और इसके बाद किचन टॉवल पर थोड़ी देर के लिए फैलाकर और जो थोड़ा सा भी वाटर था वो भी हमने निकाल दिया है और इनको भी मैं कलेक्ट कर लूँगी बाउल में और इसके बाद ज़िपलॉक बैग में पैक करके एयर निकाल कर हम इनको भी डीप फ्रीज करके 1 साल के लिए स्टोर कर सकते हैं। पर इनका जो इस्तेमाल हमें करना है ना, ये समझ लीजिए फ्रेश मटर की तरह है। मतलब हमको इनको भी फ्रीजर में से निकाल कर थोड़ी देर पानी में डालना पड़ेगा लेकिन इनको गलने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि हमें इन्हें बॉयल करना है, हमने इनको बॉयल अभी तक नहीं किया है। ये देखिए दोनों तरीके से हमारे मटर स्टोर करने के लिए तैयार हैं। अरे वाह, यम्मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।